बागे विच खूह मेरा गला मेरा नहीं हो डूबदा गोते खांबेरू मेरा। बाबा जी जब आपने इनका घूंघट उठाया तो ये क्या कर रही थी? जूती छुपाई हुई है आपकी? ना जूती छुपाने वाली तो साड़ी हो में, इसका क्या काम है? वो सालियां नहीं थी तो जूती छुपाई कैसे हुई? अच्छा मुझे बताएं, शादियों में तो जूती छुपाई की जो रस्म है सालियां करते हैं, ये मस्जिद में से कौन से साले जूते उठाते हैं? ये तो जोर चक्के ही उठाते हैं। जवानी में शादी का ज्यादा मजा है या बुढ़ापे में? जवानी में तो है, अपन बुढ़ापे में ज्यादा स्वाद आ गया। अपन बुढ़ापे में ज्यादा स्वाद आ गया। बाबा जी, हाँ जी, होश करो, वो ही कीती है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये है 85 साला बाबा जी जिनका नाम है अतर खान और ये है इनकी जवानी की महबूबा और अब की इनकी ऑफिशियल शरीके हयात नज़ीरा। नज़ीरा की उम्र 75 साल है, इनकी उम्र 85 साल है। दोनों का प्यार जवानी में एक दूसरे के साथ हुआ लेकिन वालदैन ना माने और इनकी शादी ना हो सकी। नज़ीरा की शादी किसी और शख्स के साथ हो गई, अतर खान साहब की शादी किसी और औरत के साथ हो गई। दोनों की लव मैरिज तो ना हो सकी लेकिन बच्चे तवातर से पैदा होते रहे। इनके 6 बच्चे थे और इनके 4 बच्चे थे। अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि इनकी बीवी फोत हो गई और उनके हस्बैंड फोत हो गए 6-7 साल पहले। उसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को मिलते रहे, गप्पे लगती रहीं। ये पीछे खड़े हुए तमाम लोग गांव के लोग हैं, इन्होंने मिलकर इनकी शादी करवा दी लेकिन अफसोसनाक वाकया ये पेश हुआ, शादी के बाद इनके 6 बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया और इनके 4 बच्चों ने इनको घर से निकाल दिया। अब ये दोनों एक रेंट के घर में रहते हैं और मोहल्ले वाले तावुन करते हैं और ये सब लोग जो हैं वो पैसे डालकर इनकी कोई ना कोई मौली मुआवनत करते रहते हैं। ये मोहब्बत बड़ी कैसे, चली कैसे, ये हम अतर खान साहब से पूछते हैं। बाबा जी, इस उम्र में शादी का मजा है फिर? हाँ जी मजा है, फुल 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 है। ऐसा जवानी से भी नहीं आया। अपनी उम्र बताएं। उम्र मेरी 85 साल। ये आपकी मोहब्बत की कहानी है क्या? मोहब्बत ये कि हम एक जगह टकराए थे, वहाँ हमारी मोहब्बत पड़ गई। उससे मैंने कुछ कहा, इसने कहा कि जनाब मैं तैयार हूँ। हमारे जो वालदेन थे, मैंने उनसे कहा मेरी फलानी जगह शादी कर दो, उन्होंने नहीं करेंगे। आपने कहा नज़ीरा के साथ शादी कर? ठीक है, उन्होंने और जगह शादी कर दी पर हमारी मोहब्बत नहीं टूटी। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। नज़ीरा बीबी आप बताइए, आपको इनसे प्यार है? प्याले। फुल फुल। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज की ये बड़ी खूबसूरती है कि लड़ाइयाँ होती रहती है लेकिन बच्चे तवातर से पैदा होते हैं। तो आपके कितने बच्चे थे? मेरे 4 बच्चे, 2 बच्ची 2 बच्चे। नज़ीरा बीबी आपके कितने बच्चे थे? मेरे 6, 1 मुंडा, 4 कुलियाँ। आपकी 4 बेटियाँ और 2 बेटे थे, यानी 6 बच्चे थे। सच्चा प्यार मिला आपको? नहीं, 6 बच्चों में भी सच्चा प्यार नहीं मिला। आपके कितने बच्चे थे? 4। आपको सच्चा प्यार मिला? नहीं मिला। आप दोनों की शादी हुई तो हमने मुंह दिखाई में क्या दिया? 500 रुपए। 500 रुपए? आपको 500 रुपए लेके खुशी हुई? खुशी हुई, फुल खुशी, फुल खुशी। आपकी इनके साथ शादी हो गई है, इनमें से कितने बच्चे आप चाह रहे हैं? बच्चे हमें नहीं चाहे, कुदरत दे दे तो बस का नहीं, हमें बच्चे की कोई जरूरत, हमने तो अपनी जिंदगी गुजारनी है लैला मजनू वाली। ये कह रहे हैं हमें बच्चे नहीं चाहिए, कुदरत दे दे तो दे दे, कुदरत दे देगी। बाबा जी, हाँ जी, होश करो, वो ही कीती है जी। जवानी में शादी का ज्यादा मजा है या बुढ़ापे में? जवानी में तो है, अपन बुढ़ापे में ज्यादा स्वाद आ गया। अपन बुढ़ापे में ज्यादा स्वाद आ गया। इस उम्र में शादी का ज्यादा मजा है या जवानी में? आपकी, अब की शादी के बाद जब आपने इनका घूंघट उठाया तो कहीं नज़ीरा बीबी ने कुछ सिगरेट तो नहीं लगाया हुआ था? नहीं नहीं नहीं, कोई सिगरेट नहीं लगा। तब आपका प्यार कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा? जिंदगी तक चलेगा। जो आपकी पहली वाइफ है वो फोत हो गई है, वो नहीं याद आती? जब आती थी, अब तो उसका क्या है, दुआ मांग आते थे कब्र पे जाके, वो याद गिर रही है। अब इनको कोई सिने स्टार, सिने गोल्ड, बैरियर, टोनी, इधर सिनेमा में मूवी शूवी दिखाएंगे? जी अगर इसका दिल करेगा तो दिखा देंगे। आप इनके साथ हनीमून पर कहाँ जाना चाहेंगे? पता नहीं।
शर्मो आ गई। आपने कहाँ जाना है? पहले हम जाएंगे दरवा सतलुज देखने के लिए। दरवा सतलुज? हाँ, हम जाएंगे दाता साहब सलाम करने के लिए। उससे बाद में अगर किसी का खुदा भला करेगा तो हमारी हज करवा दे, हम हज कर लेंगे। ये इनकी खुशी है। वो तमाम लोग जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तंजो मजा से भरपूर हम गुफ्तगु तो इनसे कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनको कोई हज करवा दे, इनको कोई उमरा करवा दे। ये बड़ी एक दर्दनाक स्टोरी है कि इनके बच्चों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। बागबान मूवी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी साहिबा की आपने देखी होगी, जिसमें फैमिली सिस्टम किस तरीके से टूटता है। जब नई बहुएं आती हैं वो बेटों के साथ एंगेज्ड हो जाती हैं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ वो अलग सिस्टम में रहने लगते हैं। माँ बाप बूढ़े घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, उनको कोई मिलने तक नहीं आता। तो ये भी अपने आप को तन तनहा फील कर रहे थे, ये भी कर रही थी। इन दोनों ने शादी कर ली तो बच्चों ने उठा के इनको बाहर निकाल दिया। ये एक मैं समझता हूँ बहुत ही ट्रेजेडिक सिचुएशन है। अल्लाह ताला ने इनको जिंदगी में खुशी का ये एक मौका फराहम किया है। कोई पैगाम देना चाहे हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकते हैं। पैगाम मेरा है कि जो बूढ़े आदमी है ना, उनकी माँ बापों की बच्चे सेवा करें और गलत काम पे मत चले, बूढ़ों से मोहब्बत करें। आप कोई सॉन्ग, कोई टप्पा, कोई गाना डेडिकेट कर रहे हैं? बागे विच खूह मेरा, गला मेरा नहीं हो डूबदा, गोते खांदे रूह मेरा, चीना कुकड़ू बने रे ते खटे ने दुपट्टे वाली है मुंडा आशिक ते। बाबा जी, जब आपने इनका घूंघट उठाया तो ये क्या कर रही थी? जूती छुपाई हुई है आपकी? ना, जूती छुपाने वाली तो साड़ी हमें, इसका क्या काम? सालियां नहीं थी तो जूती छुपाई कैसे हुई? अच्छा मुझे बताएं, शादियों में तो जूती छुपाई की जो रस्म है सालियां करते हैं, ये मस्जिद में से कौन से साले जूते उठाते हैं? ये तो चोर चक्के ही उठाते हैं। ने तंजो मजा से भरपूर इनसे इंटरव्यू किया। अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। और ये जो नजीरा में भी है माशाल्लाह शकीरा लग रही हैं, और ये जो हमारे 85 साल जवान बाबा जी हैं, ये कह रहे हैं कि हमें बच्चे तो नहीं चाहिए लेकिन अगर कुदरत ने कुछ कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए, पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, पाकिस्तान अल्लाह हाफिज।